बारस अनुपेखा का हम सभी कर रहे हैं आचार्य कुनकुन स्वामी जी द्वारा विरचित नविदूण सर्व सिद्धे जान उत्तम खविद दीह संसारे दस दस दो दो बजने दस दो अणुपे हणम वो छे नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आईरियाणम नमो, नमो लो ए सब सा पंच परमेश भगवान की जय अगले पैतालीस मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नावल नमोकर पढ़ ले तो जो अनुप्रेक्षा का विषय हमारा है ना अपन ने पहले भी डिस्कस किया था इस बारे में कि ये हमारे अंदर इस संसार के प्रति संवेग उत्पन्न करने के लिए है संवेग होता है एक तरह से इनडिफरेंट हो जाना है ना या डर जाना ठीक है यहाँ पर हमारे अंदर डर पैदा किया जा रहा है संसार के लिए क्यों क्योंकि हमारे जो कर्म है ना वो हमें हमारी पहचान नहीं होने देते ठीक है हमारी पहचान नहीं होगी तो हम उसको पाने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारी पहचान नहीं होने के कारण कर्म जो हैं इस शरीर को ही मैं मानते हैं ठीक मानने मतलब हम उसके कारण इस शरीर को ही मैं मानते हैं कि ये मैं हूँ और उस शरीर से ही जितने भी संबंध भी हैं आयु है हमारा स्वास्थ्य है है ना सब कुछ हम फिर उसके हिसाब से जीना मरना करते हैं हमारे सारे विचार उन्हीं कर्मों के कारण होते हैं ठीक है ना? समझ रहे हैं आप एक जैसे एक दुनिया क्रिएट कर दी जाए या ऐसा देश जहाँ पर बाहर की मीडिया से कोई कनेक्शन ना हो है ना जैसे बहुत सारे आदिवासी लोग भी रहते हैं राइट और उनका बाहर से कोई कनेक्शन नहीं रहता तो ना तो उनके पास पढ़ाई लिखाई है ना उन्हें सभ्यता जान की जानकारी है कि बाहर का वर्ल्ड कैसा है है ना वो अपने उसी जंगली दुनिया को ही सब कुछ मानते हैं उसी में ही रचे पचे जाते हैं उनको उसी में अच्छा लगता है ठीक है ना अब कोई बाहर से पहुंच जाए तो उनको समझाने की कोशिश भी करेगा तो कहेंगे नहीं हमें यही पसंद है ठीक है ना तो समझिए कि जैसे कुएं का मेंढक भी है राइट कुएं से जब तक कुएं में है उसी को अपनी दुनिया समझ रहा होता है उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी तो ऐसे ही हमारे आचार्य कहते हैं कि जब तक तुम इस संसार में ही डूबते रहोगे या संसार में ही जन्म मरण करते रहोगे इसके ऊपर भी कुछ है इससे आगे जो तुम्हारा आत्म तत्व है तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए है ना उससे पहचान उसको उसकी अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं और वो अवेयरनेस तभी आएगी जब हम जहाँ हैं वहाँ की सच्चाई पता चले कि इसके बाहर भी कुछ है ठीक है ना तो जैसे अपने को आदिवासी की जगह रख कर देखना या मेंढक की जगह रख कर देखना कि वो क्यों उन्हें बस वहीं अच्छा लगता रहता है हम जबकि बाहर रहने वाले चाहते हैं कि उनको कुछ सिखा दें उनको दुनिया दिखा दें कि दुनिया में और भी क्या कुछ नहीं हो रहा लेकिन वो उसी में रहना पचना चाहते हैं रचना चाहते हैं राइट ऐसे ही हमारी भी स्थिति है एक्चुअली हम भी इस संसार में ही रचना पचना पसंद कर रहे हैं और ये बात आचार्यों को बहुत अच्छे से मालूम है ठीक है ना अपन ने कितने एग्जाम्पल्स के थ्रू ये अपनी लाइफ में भी देखा है कि आज अगर हमें कोई मोक्ष देने आ जाए और कहे ये परिवार तुम्हें छोड़ना है तो हम उसके लिए रेडी नहीं है हमें लगता है तो चलो मरना तो है ही थोड़ा टाइम और सही मोक्ष देना या तो थोड़े टाइम बाद दे देना चाहिए तो है लेकिन थोड़े टाइम बाद है ना क्योंकि हम जिस संसार में हैं हम उसे छोड़ना नहीं चाहते और आचार्य कह रहे हैं कि बहुत थोड़ा टाइम है है ना जितना जल्दी हो सके इस संसार की वास्तविकता को समझ जाओ ठीक है ना और यहां से आ, निकलने के लिए तुम्हें सजेशन दे रहे हैं संवेग यही है कि हमें इस संसार की वास्तविकता पता चल जाए और हम इससे डरने लगे है ना ऐसा समुद्र जिसमें भरे हुए मगरमच्छ वेल मछलियां जो तुम्हें हर समय खाने को तैयार है।, है ना अपन गिरे जहाज से कि ये हमें खा जाएंगे ऐसे संसार में हम एक नाव में है जो कि टूटने वाली है ठीक है तो हमें नहीं मालूम इस आयु के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं और हम कंटिन्यूसली हमारा एफर्ट उस तरफ ना जाकर डे टू डे में हम कैसी लाइफ बिता रहे हैं हमने क्या अर्जित कर लिया अभी तक हमारा फोकस सिर्फ वहीं तक रहता है ठीक है ना मेरा परिवार मेरे बच्चे मेरे माता पिता मेरा भाई बहन बस इतना है ना जबकि आचार्य कह रहे हैं बार बार हर एक अनुप्रेक्षा में एक चीज को याद दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर बैठी हुई जो आत्म तत्व है रियल जीव तत्व है उसी की शरण लेना है वही नित्य है ठीक है और वो अपने आप में अकेला है उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है कोई परिवार वाला साथ में नहीं है सबकी सोल अलग-अलग है तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे उनके कर्म उनके साथ जाएंगे उनके पीछे अपने खराब कर्म मत बांधो ठीक है ना बताया था हमें पत्नी और परिवार वालों के लिए अपने पाप कारक का पाप का अर्जन मत करो ये आचार्य हमें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं लेकिन हम इतने ज्यादा यूज टू हो रखे हैं कि इस 45 मिनट तक तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत लगता होगा एक बार ख्याल में आ जाता होगा लेकिन उसके अलावा तेईस घंटे हमें बिल्कुल याद नहीं आता कि हमें संसार से बचना है आयु बहुत थोड़ी है बीस तीस वर्ष ज्यादा से ज्यादा और हमें इस संसार को छोड़ना ही पड़ेगा हम चाहे या ना चाहे, ठीक है ना हमारा सबका मरण निश्चित है और फिर सिवाय पछताने के और कुछ नहीं बचेगा जब हम बोधि दुर्लभ भावना पढ़ेंगे है ना? तब हमें समझ में आएगा कि हमें जो मिला है वो कितनी मुश्किल से मिला है और हम उसकी वैल्यू नहीं करते तो हम यहाँ पर संसार भावना का चिंतन करें संसार क्या है ये जो समुद्र जिसमें की हमारी नाव अभी चल रही है है ना और नाव टूटेगी और हमें उसी समुद्र में वापस पड़ जाना है फिर क्या रूप ले लेंगे हमें नहीं मालूम फिर उसमें जन्म लेंगे फिर मरण करेंगे फिर जन्म लेंगे फिर मरण करेंगे यही डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है कि हमने ऐसा अनंत मतलब अनंत भी छोटा है इसके अनंत अनंत काल इतना काल हमने बिता दिया कि हम खुद मुनि बनने के बाद इतनी बार मुनि बने कि हमारे कमंडलों से सुमेरु पर्वत जितना एक पर्वत खड़ा हो जाए इतनी बार हम मुनि बन चुके तो सोचिए कि आप साधारण मनुष्य जैन कुल से ही मुनि बने होंगे और उसके अलावा कितनी बार मनुष्य बने होंगे हम जब महावीर भगवान की कथा पढ़ते हैं जब वो मारीची के जीव थे उसके बाद उन्होंने बहुत लंबे समय तक ब्राह्मण मनुष्य बने है ना भील भी बने थे वो राइट तो इस तरह के मनुष्य भी बहुत बार हम बन चुके हैं और हमने देख लिया था द्रव्य परिवर्तन क्षेत्र परिवर्तन है ना? जिसमें हमारा जितने भी पुद्गलों से यह शरीर बना है वापिस से इन्हीं पुद्गलों से यह शरीर दोबारा यही बन जाए वह द्रव्य परावर्तन तो हम ऐसा द्रव्य परावर्तन अनंत बार कई बार कर चुके हैं क्षेत्र परावर्तन में पूरा लोक में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ हमने जन्म ना लिया हो तो हम अंदर से क्या ही भावना भाएं कि हम विधेय क्षेत्र में पैदा हो जाएं या हम इस विमान में पैदा हो जाएं हम सब जगह जा चुके हैं ठीक है हालांकि ऐसा नहीं कह सकते सब जगह इन द सेंस की ग्रेवे तक ठीक है उसके ऊपर वाले जो देव जन, जन स्वर्गों के देव हैं उनकी व्यवस्था अलग हो जाती है कि वहाँ पहुँचने वाले सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं और अगर हमें सम्यक दर्शन हो तो फिर हमें आ, इस संसार में भटकना नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर जो सारी चर्चा है वो किसके लिए है मिथ्या दृष्टि जीव के लिए हम्म रुकमणि आंटी आपने हाथ रेस किया हां चारों हाँ, जयتين चारों पेज पे मैंने सुना कि विदेश क्षेत्र से मोक्ष नहीं जा सकते तो क्या ठीक है मोक्ष जा सकते हैं ओके जी तो चलता है वहाँ है, है? विदेश क्षेत्र विदेश क्षेत्र की 32 नगरियां है ना हां हां तुर्त काल ही चलता है ठीक है तो कहीं ये सुना कि भोग भूमिया और भोग भूमि से मनुष्य जा सकता राइट तो जो वहाँ की कर्म भूमिया है बत्तीस विदेश क्षेत्रों से जा सकते हैं लेकिन विदेश क्षेत्र में ही जो जंबुदीप के दो साइड का एरिया है उत्तर कुरु और देव कुरु वो भोग भूमि वहां ओ, से नहीं जा सकते क्योंकि उस भूमि में 30 पहला काल चलता है ओके ठीक ठीक है है जी जा जी एक क्वेश्चन था आपने जो ये द्रव्य परिवर्तन का स्वरूप बताया तो मैंने पहले भी सुना हुआ है पर वो द्रव्य परिवर्तन में एक्जैक्टली exactly आप बोल रहे हो कि चलो आज एक, एक, एक अवंती है राइट तो अनंत काल बीतने के बाद वापस सेम अवंती आ रही है राइट, टॉकिंग समथिंग लाइक मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि परावर्तन कब पूरा होता है मतलब कोई भी हमने शरीर चाहे वो अवंती हो चाहे हमने किसी भी भाव में है ना? हमारा वो परावर्तन कब पूरा माना जाता है जब हम उनी पुद्गलों से, सेम टू सेम एक भी कम ज्यादा ना हो आप समझ रहे हैं शरीर में हाँ तो पुद्गल फिर उसका मतलब तो वही हुआ मीन्स मैं पहले भी ओके नहीं मैं समझ गई वही समझ हाँ तो भी उसका मतलब तो वही हुआ दैट मीन्स मतलब हम अनंत बार ये सेम टू सेम सेम हाँ पुद्गलों को ग्रहण हाँ सेम करेंगे पुद्गल और द्रव्य हाँ समझ गए बिल्कुल सही पुद्गलों की बात चल रही है ओके okay. या yeah. नहीं समझ गई बढ़िया बहुत अच्छा क्षेत्र परावर्तन में क्या था हम पूरे तीन लोक में हर जगह पर जन्म ले चुके हैं और कई-कई बार अनेक बार समझ रहे हैं आप तो अंदर से ये जो इच्छाएं हैं अपने को मतलब बताने के लिए बता रहे हैं ये आचार्य क्या कह रहे हैं संसार से डरना है ऐसे संसार की इच्छा नहीं करनी ऐसे संसार में रहने के लिए बिल्कुल भी जैसे एक चीज आई ऑलवेज रिपीट आई हैव हर्ड समवेयर कि हम लेट्स से नायगरा uh, फॉल्स देखने गए ठीक है और हमें बहुत सुंदर लगा बहुत सुंदर वाटरफॉल लगा हमने जैसे पहले कभी देखा ही ना हो ऐसा वो यही हो नाइगरा फॉल हो या कोई और फॉल हो या कोई और जगह भी हो ठीक है हमें होट से बहुत सुंदर लगी वो जगह और हमारा ऐसा मन किया कि काश हम यहाँ दोबारा आए ठीक है आई वॉन्ट टू सी दिस प्लेस अगेन तो क्या होगा यहाँ पे यहां पे चारों एक थोड़ा सा इंटरफेयर करूँ क्या हुँ? जी अंकल इसी से नहीं यहाँ पे जो जीव द्रव्य परावर्तन कहा है तो द्रव्य एक्चुअली कई बार अपने को ऐसा आता है कि जीव उसमें इसलिए इसको पुद्गल परावर्तन कहा है क्योंकि जीव परावर्तन कहेंगे तो जीव तो कोई ऐसे मुक्त आत्मा भी होती है उनके साथ कैसे संबंध बनेगा नहीं बनेगा इसलिए इसको जो अपन पर्याय लेते हैं वो सेम पुद्गल परमाणु से जो पर्याय बनी है वो सेम परमाणु मिलेंगे तभी वो एक उद्धर पर आवर्तन कराए बिल्कुल सही बात यही कह रहे हैं ठीक चलिए अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं तो लेट्स से आपने बहुत सुंदर जगह देखी है ना और आपके मन में आया कि अरे आ, मुझे ये दोबारा देखना है ठीक है और अनफॉर्चुनेटली आपकी वो आयु पूरी हो गई और आप उस जगह पे दोबारा नहीं जा पाए तो क्या होगा कि आपने क्योंकि इच्छा करी है तो आप उस फॉर्म में भले ही ना जा पाओ लेकिन आपके कर्म के ऊपर वो संस्कार हैं ठीक है तो हो सकता है आप उस नियाग्रा फॉल की मछली बन जाए समझ रहे हैं तो कैसे अपनी इच्छाओं को इसलिए रोकने की सलाह दी जाती है अननेसेसरी इच्छाएं नहीं करनी चाहिए कि हमें ये देखना है वो देखना है इधर जाना उधर जाना ये खाना वो खाना ये इकट्ठा करना क्योंकि वो इस भव में अगर नहीं हो पाया तो हमें इस संसार में भटकना होगा उन इच्छाओं की पूर्ति के कारण ठीक है ना तो इसलिए हमें जो हमारे अंदर जीव तत्व है उस पर फोकस करके क्योंकि आज तक हमने जो नहीं पाया या जो हमने इच्छा नहीं करी वो है अपने को पाने की

फिर से जन्म ले सकते हैं डिपेंडिंग आपने कितनी स्ट्रॉन्गली उस विश को किया था अच्छा तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जातवा के फिर आएंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए नहीं ऐसा अच्छा। नहीं करना चाहिए ठीक है अगर आयु रही तो फिर आएंगे ऐसा फिर भी कह सकते हैं ठीक है ना अच्छा अच्छा ऐसा ठीक है तो क्षेत्र हो गया हमें किसी भी क्षेत्र कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हम ना जन्मे हो और हर साइजेस को हमने ले रखा है ठीक है यहाँ तक हमने देखा था अब हम आगे चलते काल परिवर्तन ठीक है काल परिवर्तन में क्या कह रहे हैं अव सपिणी ओव सपिणी समयावली आसूर्वसे सासू जादो मुदो यबहुसो परिभमिदो काल संसारे अब काल की बात कर रहे हैं यहाँ पर चारू जी एक मिनट इसको निदान बंद कहते हैं कि अपन फिर निदान बंद हो जाता है यस पुण्य जी निदान बंद कहा वो मतलब जान थोड़ा भी सोचा अपन ने वैसा तो निदान बंद माना जाएगा निदान इन रियलिटी यस बिल्कुल सही है इच्छा विषयों की पूर्ति के लिए है ना हमने विषयों की की भोगों की इच्छा कर ली फ्यूचर के कि मैं वापस से ये घूमने के लिए आऊं आऊं देखने आउं, है ना तो हमने भी इच्छा कर ली तो वो हमारी तकलीफ का कारण बन सकता है वो, वो हर जगह लागू होगा जैसे अपने बाल बच्चों के लिए अपन ने कुछ सोचा कि मतलब उनसे मिलना है या फिर वो भी मतलब दान बंद में आएगा उस टाइम डेथ हो जाती है कुछ होता है हाँ बिल्कुल है क्योंकि अगर आपने बहुत तीव्र इच्छा कर ली बच्चों से मिलना है और आप मतलब भगवान न करे उम्र जा, जाता है तो आपके अंदर वो इच्छा अधूरी इच्छा रह जाएगी है ना इसीलिए लेखना के समय हर तरह की इच्छा को छुड़वा दिया जाता है बिल्कुल शांत परिणाम से आपको इस देह को छोड़ना है ठीक है ना इस जीवन के अटलीस्ट कोई भी अधूरी इच्छा ना हो ठीक ठीक है तो यहाँ पे चारों एक चीज पूछ रही थी जैसे कि इन्होंने कुसुम आंटी कुसुम जी ने पूछा जैसे कहीं तीरथ पे हम गए हैं तो तीरथ की तो हम सोच ही लेते कि भगवान करें दोबारा दर्शन करें तो नहीं तो एक तरह से जब तक जी रहे हैं तब तक है ना तो तो अगर वो फीलिंग है तो ठीक है जब तक अदरवाइज अगर सिर्फ ये कि मुझे तो यहीं रहना है है ना हाँ, विदाउट इवन हाँ. थिंकिंग कि हमारी उम्र में हो सकता है हमें वो दोबारा पॉसिबिलिटी ना भी मिले हाँ मतलब साथ में ये सोचें कि हाँ, जीवन में जब भी मौका लगे तो आ पाए बिल्कुल ठीक है थैंक यू अब काल परिवर्तन तो जैसा जैसा हमने बात की थी जो जी एक चीज और नहीं? अगर आ, अगर हम ये सोचते हैं कि जब भी अगर जन्म मिले तो जैन कुल में ही मिले तो आ, ये भी मतलब आ, आ, मतलब गलत कहलाएगा नहीं इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि उच्च कुल वो भी जहाँ जिनेन्द्र देव अः का सानिध्य मिल सके है ना ऐसी करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि ऐसा अगर कुल मिल गया है ना तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं ठीक है ठीक है हम्म हाँ तो 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 चाचू जी तो मंदिर जी में जाके जो हम पुनः दर्शन बोलते हैं वो भी नहीं बोलना चाहिए क्या हाँ पुनः दर्शन के लिए भी हमें भगवान के दर्शन की इच्छा कर सकते हैं चलिए क्योंकि अगर अभी नहीं पूरी हुई तो दोबारा हमारी कभी ना कभी इसका मतलब पूरी होगी राइट तो हुँ। उसके लिए हमें जरूर ऐसा जन्म मिलेगा जहाँ भगवान के दर्शन फिर से हो सके तो इसलिए जो प्रशस्त दर्शन करने को लिए ऐसा करना बिल्कुल ये बात बराबर है कि नहीं कर सकते हैं इनफैक्ट करना ही चाहिए रात में भी कहते भी हैं महाराज जी लोग भी बताते हैं कि शाम के टाइम ही अपनी पूजा के द्रव्य पूजा के कपड़े अरेंज करके रख सकते हैं कि अगले दिन मंदिर जाना है क्या पता ना भी उठ पाए क्या पता आयु रात में शेष खत्म हो जाए तो ऐसे में हमें तीव्र पुण्य का बंद होता है तरह से भावना भा भासा तो सकते। ये तो हम जनरली कहते हैं मंदिर में जाएं तो भगवान दोबारा दर्शन को आयम बहुत अच्छी भावना ही है और इतना तो रहना ही चाहिए कि भगवान के दर्शन फिर से करें है ना इससे हम अगर कोई कारण से उस समय हमारी आयु निकल भी जाए तो भी हमारी भावना या हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी फ्यूचर में अच्छी सद्गति मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है अच्छा एक चीज और शेयर करना चाहूंगी जो अभी कपड़ों की बात हुई ना कि सब सामान रात में संभाल के रख दो पहले अब तो दूर इतने मंदिर हो गए तो कारों में ही जाते हैं और मंदिरों में ही जाके बदलते हैं पहले मुझे ध्यान है कि हम लोग नहा के जब मंदिर में जाते थे ना पूजा के लिए तो कपड़ा जैसे वो पहले वो नहीं होती थी तारे लगी रहती थी उसके ऊपर से नहा के और सिंपल वहीं से सीधा कपड़ा खींच के और पहनते थे और मंदिर में पैदल जाते थे बिना चप्पल के बिल्कुल सही आंटी ऐसा ही मंदिर पास भी थे तो अब तो बिल्कुल सही व्यवस्था की बात हाँ वही बहुत अच्छा ठीक है तो अभी जो हमने द्रव्य परावर्तन देखा उसके बाद क्षेत्र परावर्तन ठीक है तो द्रव्य से क्षेत्र अनंत काल है एक्स्ट्रा है ऐसे ही काल परावर्तन काल परावर्तन मतलब वो क्षेत्र का भी मल्टीपल टाइम्स एक्स्ट्रा समय है तो अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल की समस्त समयावली मतलब अपनी सोच से परे है उत्सर्पणी और अवसर्पणी कितने काल का होता है मालूम है बीस कोड़ा कोड़ी सागर ठीक है तो अपने आप अप में एक सागर ही हमारी कैलकुलेशन के बाहर है ठीक है उसमें बीस कोड़ा कोड़ी सागर करोड़ में करोड़ मल्टीप्लाई करो तो कोड़ा कोड़ी उसमें भी बीस मल्टीप्लाई करो तो बीस कोड़ा कोड़ी और वो कितना सागर ठीक है तो उतने में तो एक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल पूरा होता है ठीक है और यहाँ पर पता है आपको क्या कह रहे हैं यह जीव क्या बोल रहे हैं परिभ्रमितो काल संसारे काल में काल परावर्तन किया इस संसार में परिभ्रमण किया तक अवसर्पणी उत्सर्पणी की समयावली मतलब समय एक समय लाइक समय समय minute, second, समय बाय नॉट इवन मिनट सेकंड राइट सबसे छोटी अनंत बार उसमें जादो मुदो या बहुसो जादो मुदो जन्म लिया और मरा ठीक है तो समस्त जितनी भी समस्त समयावलियों में तो बीस कोड़ा कोड़ी सागर में जितने भी समय हैं उन सब समयों में जैसे कि आप सोचिए कि अभी अवसरपिणी काल चल रहा है ठीक है कभी तो ऐसा होगा जब एग्जैक्टली अवसरपणी खत्म होगा और उत्सर्पणी का पहला समय होगा करेक्ट भले ही वो वेरी वेरी शॉर्ट तो उस उत्सर्पिणी के पहले समय में जीव उत्पन्न हुआ अब दोबारा उत्सर्पिणी के दूसरे समय में जन्म लेने के लिए उसे पूरे बीस कोड़ा कोड़ी सागर का वेट करना होगा आउट ऑफ आवर थॉट राइट लाइक समझ से बाहर है बात। समझ रहे हैं? लेकिन आचार्य क्या बताना चाह रहे हैं अब आचार्य झूठ तो यहां लिखने रहे राइट right? इतना लंबा समय हमने संसार में ईच एंड एवरी पर्याय में बिताया है और बिता सकते आगे भी अगर हमने यहाँ से इस संसार से भय खाकर राइट right? और चिंतन नहीं किया अपने बारे में कि हम हैं कौन जिसके बारे में आचार्य इतना बताना चाह रहे हैं ना कौन है क्या है ऐसा ऐसा कैसा ज्ञान है जो हमें इस संसार से बचा सकता है सम्यक ज्ञान अगर हो जाए है ना तो हम इस संसार में घूमने से बच सकते हैं उस सम्य ज्ञान को हमने आज तक नहीं पाया इसलिए हम भटक रहे हैं आप समझने की कोशिश कीजिए कितनी डीप बात कहना चाह रहे हैं और कितनी करुणा से ना आज भी इतने बिलियन जनता है इस पृथ्वी पर इट्स राइट वैसे तो कहते हैं कि मल्टीपल अर्थ्स हैं इस यूनिवर्स में लेकिन इस पृथ्वी पर अपने आप में इतने बिलियन जनता में कितनों को ये अनुप्रेक्षा पढ़ने को मिलती होगी बेरली थाउजेंड्स में होगी ये नंबर अगर हम बहुत पॉजिटिव सोचें तो चलिए सब जैन जो हैं वो इसको पढ़ते होंगे लेकिन उनमें से उन थाउजेंड्स में से कितने होंगे जो इस पर चिंतन भी करते होंगे हंड्रेड्स में होंगे ऐसे ठीक है ना तो इतनी छोटी संख्या है लेकिन फिर भी बहुत पुण्य का उदय होगा जो वो हंड्रेड्स में जो संख्या है उन लोगों के बहुत तीव्र पुण्य का उदय होगा कि अब इस संसार से छूटने का एक मौका मिला है उसको अपन को गवाना नहीं है ठीक है तो कल अपन इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे अगला देखते हैं भाव परिवर्तन ठीक है तो ये कहने को अवसर्पिणी उत्सर्पिणी किसी के लिए नया टॉपिक है क्या फील फ्री टू रेज हैंड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं अदरवाइज विल गो मूव फॉर अवसर्पिणी उत्सर्पिणी नाम सुना हुआ है सबने क्या होता है Anyone चो, चो, चो काल आता है एक, एक पहले पहला काल, 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 काल दूसरा काल तीसरा काल चौथा काल छह में छह पांच चार तीन ऐसे होता है बिल्कुल वही ना हाँ जी हाँ जी बिल्कुल वही है जो हम कहते हैं ना पंचम काल चल रहा है ना तो अभी अवसरबणी का पंचम काल चल रहा है ठीक है ना बहुत लंबा समय है बेसिकली अवसरपणी उत्सर्पणी जो एक काल चक्र होता है उसको पूरे को पूरे काल चक्र को अवसरपणी और उत्सर्पणी में आधा आधा बांटते हैं तब जाके कालचक्र पूरा होता है ठीक तो है ऐसी हमने अनंत अवसरपणिया उत्सर्पणियाँ बिता दी हैं ठीक तो ये कहना चाह रहे हैं कि अब और मत बिताओ जाग जाओ भाव परिवर्तन का स्वरूप निर्या उज्जहना दिसो जावतु उवरी अल्लाया तुगवे चच्चा मिच्छत्त संसिदेन दु बहुसो वी भवदिठी भवदिठी भमिदो तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं मिछत संत मतलब मिथ्यात्व के कारण मिथ्यात्व के आश्रय से या उसके कारण बहुसो बहुत बार भाव इसको बोलने में दिक्कत होती है भवनिथि भवनिधि ठीक है भव स्थिति भव की स्थिति को भमिदो भमिदो भ्रमण करा ठीक है बहुत बार किसने भ्रमण किया होगा सोचिए है ना जीव ने राइट जीव ने नरक राइट निर्या निज नह मतलब जघन्य आयु ठीक है निरिया आयुज राइट तो निर नरक आयु को जघन्य से लेकर तो भाव परिवर्तन की बात चल रही है और भाव परिवर्तन में जो नरक है राइट नरक नीचे है और ऊपर क्या है स्वर्ग है तो नीचे से ऊपर तक कह लीजिए बीच में मध्यलोक भी आ गया तो उसको कह रहे हैं कि जावदु ओवरेलिया ओवरेल मतलब उपरिम ऊपर के दु गवेज गवेज या ग्रवेक ठीक है तो ऊपर के जो ग्रवेक है, है उसमें और नरक की जघन्य आयु से लेकर जघन्य आयु मतलब दस हजार वर्ष की जो आयु है वहां से लेकर और ग्रेवेक तक ग्रेवेक तक जो है आयु कितनी रहेगी बाईस सागर से स्टार्ट करके और इकतीस सागर तक ठीक है इकतीस सागर की बात करें वर्ष नहीं है सागर ठीक है बहुत अनंत काल है वो भी तो ईच एंड एवरी भव स्थिति को धारण कर अनेक बार भ्रमण किया है तो जितनी भी तरह की आयु होती है दस हजार वर्ष ठीक है फिर दस हजार एक समय दस हजार दो समय ऐसे करते करते बढ़ाते बढ़ाते तो नरक की ईच एंड एवरी जो भी आ, स्थान है भव है जितनी भी तरह के नरक हैं सब में जन्म लिया और किस कारण से लिया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कहा मिथ्यात्व के आश्रय से मिथ्यात्व इतना बड़ा हमारा शत्रु है मिथ्यात्व क्या है हमारा मिथ्या दर्शन हमारा मिथ्या रॉन्ग बिलीफ रॉन्ग बिलीफ हमारा क्या है बहुत सारी तरह के बिलीफ्स के साथ हम बड़े होते हैं ठीक है ना हम मेनली uh, तो हम ग्रहित मिथ्यात्व के साथ uh, बड़े होते इन्वायरमेंट से हम बहुत ज़्यादा ग्रहित मिथ्यात्व को पिकअप करते हैं बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते होंगे जिनमें घरों में इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज दे दी जाती होंगी जहाँ उन्हें बाहर से कुछ भी इस तरह का ग्रहण नहीं करना जो uh, कुदेवों के पास जाना कुशास्त्रों को पढ़ना है ना कुदेवों के पास जाना या कुगुरु के पास जाना आज के टाइम में तो ऐसा हो रखा है कि थोड़ी सी भी तकलीफ आती है और अपने को लगता है कि जो इस हमारा काम तकलीफ दूर कर दे हम तो उसके आगे हाथ माथा जोड़ लेंगे माथा झुका लेंगे ठीक है ना तो ये जो हमारे अंदर झट से आ जाता है हम ये नहीं देख रहे ये तो बहुत टेम्परेरी दुख है इस का दुख है लेकिन उसके कारण हम मिथ्यात्व का जो सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म सकते हैं तीव्र मिथ्यात्व इतने लंबे समय तक किस कारण से कि हमसे वो दुख नहीं देखा गया इसलिए हम कुदेव के पास चले गए ठीक है ना तो हमने कुदेव के पास जाकर और अपना काम निकाल लिया तो हमने भले ही उस समय तो काम निकाल लिया वो काम भले हुआ तो पुण्य से हमारे ही किसी पास्ट के पुण्य से हुआ होगा लेकिन हमने क्या मान लिया कि इस कुदेव के पास जाने से हमारा काम बन गया अब तो मैं बस इसी के आगे सिर झुका हूं और ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा सिर झुक रहा है जितनी बार हम उनके बारे में अच्छा फील कर रहे हैं उतनी उतनी बार हमारे अंदर का कर्म बंधता जा रहा है क्योंकि हमारे मन वचन का इससे कर्म बंधता है अगर हमने एक सेकंड के लिए भी ये बात सोची कि ये देव के कारण मेरा काम हो गया ये गुरु मेरे सब कुछ कर देते हैं है ना? भले ही ये अपरिग्रह को ना फॉलो करते हो, लेकिन मैं तो इन्हीं के आगे सर झुका यही मेरा कल्याण करने वाले हैं अगर ऐसा थॉट एक सेकंड के लिए भी आ गया एक जगह पर देखा था कि ऐसा थॉट इक्वल टू इतने जो अनेक वैश्याओं का जो जीवन काल में पाप बंधता है उतना हमारा एक मिथ्यात्व के भाव से बंद जाता है तो ये मिथ्यात्व हमारे लिए इतना डेंजरस है लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते हाँ चारू जी आपने हाथ रेस किया तो जैसे जैन मंदिरों में भी कितने सारे देव और देवियों की मूर्तियां होती हैं और मतलब हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो मतलब मेरा तो ऐसा है कि जब प्रतिमाएं मतलब मूर्तियां लगी हुई हैं तो मैं हाथ तो जोड़ ही लेती हूँ तो क्या उसमें भी हम मतलब अंदर से कोई ऐसी बहुत स्ट्रोंग फीलिंग नहीं है लेकिन अः मंदिर में जब मूर्तियां हैं तो मुझे लगता है कि मुझे हाथ तो जोड़ना ही चाहिए मेरे से ऊपर है आ, तो वो भी थॉट गलत है देखिए अपने में यही बताया है कि उनको सिर्फ जय जिनेन्द्र बोलना है क्योंकि वो होते सम्यक दृष्टि है ठीक है ना तो जैसे आपके यहाँ पर कोई साधर्मी हो आप कैसा बिहेव करेंगे क्योंकि वो भी क्या है सम परिग्रह के साथ है है ना कोई त्याग नहीं है संयम नहीं है ठीक है ना तो देव, देव जो है। जिनकी पिक्चर्स या प्रतिमाएं लगी भी हो तो वो कहीं ना कहीं स्वर्ग के देव हैं ना तो उन स्वर्ग हाँ। के देवों को भले ही वो मिथ्या सम्यक दृष्टि हो ठीक है ना लेकिन वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ही कहलाते हैं ठीक है तो हम उन्हें सम्मान दे इस अपेक्षा से कि उन्होंने हमारे जिनेन्द्र देव की रक्षा कर रहे हैं बहुत बहुत अनुमोदना बहुत बहुत साधुवाद ठीक है ना तो उस तरीके से हम उन्हें नमस्कार नमस्कार वर्ड तो हिंदी का चल गया है अदरवाइज हम उनके आगे सिर इसलिए नहीं झुका रहे हैं कि वो ही हमें बचाने वाले हैं ठीक है उनके आगे सिर झुकाना इज जस्ट जेस्चर ठीक है हम अपनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं उन्हें कि आपको सादर जय में उन्हें हम नमोज तो okay. नमोज तो सिर्फ संयमी जो अपने देव हैं या जो गुरु हैं उन्हीं के आगे करना चाहिए कोई कोई भी समझदार ज्ञानी आदमी होगा वो कोई भी कार्य करेगा बिना प्रयोजन के तो नहीं करेगा तो आपको अपने को ये देखना है कि अपन उनको अगर, अगर मतलब कुछ नमस्तु कर रहे हैं या ढोक दे रहे हैं या सादर प्रणाम बोल रहे हैं जय जयंद बोल रहे हैं तो अपना प्रयोजन क्या है अगर आपन इसलिए क्या रही है अपने को कुछ दे देंगे हम इसलिए पूज रहे हैं या कोई दूसरे खुश हो जाएंगे यार इनके गुरु मैं पूज रहा हूँ तो मेरे से इससे अच्छी हो जाएगी तो वो वो उस हिसाब से मतलब आप प्रयोजन देखो क्या प्रयोजन आप इसलिए मंदिर गए क्या आप किसको आपको पूजना है आपको उससे क्या चाहिए अगर अपन सिद्ध भगवान से इसलिए पूछते हैं कि भाई हम भी हमारी तरह वो भी शुद्ध आत्मा है हम भी हमारे हम भी अपनी निजात्मा के स्वरूप को देखने के लिए उनके स्वरूप को पहचानना जरूरी है इसलिए हम उनको गुणों की पूजा करते हैं तो प्रयोजन मतलब है। है। है तो जो है हमारे ही मन वचन का हिस्से हम कलेक्ट कर लेते हैं अनजाने में अज्ञानता में राइट इसीलिए हमें सम्यक ज्ञान जरूरी है ज्ञान होगा तो हमारा बिलीफ भी सही हो जाएगा अभी तक हमारा बिलीफ में क्या है जो हमें इस दुख से बचा लेगा उसको हम पूज लेंगे ठीक है ना ये रॉन्ग बिलीफ के कारण है हमें सिर्फ इस संसार में अभी जो पर्याय है उसमें हमारा जीवन सुख से निकलना चाहिए उसके में कोई दुख ना आए जैसे भी हो सके उसके लिए हमें कितने भी पाप कमाने पड़ जाए जितने भी हमें मिथ्यात्व के कार्य करने पड़ जाए हम उससे पीछे नहीं हटते किस वजह से हमारी अज्ञानता के कारण क्योंकि हमें ये रियलाइज नहीं रहता कि कितनी तरह के दुख हम बार बार इन्हीं गलतियों की वजह से पहले भी भोग कर आ रखे हैं फिर हमने जाकर कुछ अच्छा विचार किया होगा अच्छी भावनाएं भाई होंगी जिसकी वजह से हम जैन कुल में मनुष्य वो भी कर्म भूमि के मनुष्य बन पाए राइट अब फिर से वो गलती ना करें हम ठीक है ना भले हमने थोड़ा सा पाप का तो उदय था हमारा कि हम पंचम काल में पैदा हुए, और अगर ढाई हजार साल पहले पैदा हो गए होते महावीर भगवान के समय में तो हम हो सकता था डायरेक्ट अपना कल्याण कर पाते लेकिन कहीं ना कहीं पुण्य में कमी थी ठीक है लेकिन इतना भी बुरा नहीं था की जानकारी नहीं मिली ठीक है ना तो एटलीस्ट हमें जिनेन्द्र देव की वाणी मिली तो हम इसको बहुत अच्छे से समझे ठीक है भाव परिवर्तन में क्या है हा दीजिए जी आपने हाथ रेस किया हाँ चारू जी आ, आपने अभी जैसे बोला कि हम ढाई हजार वर्ष पूर्व अगर जन्म लिए होते तो आत्मा तो आ, कभी नहीं मरती राइट तो हम उस टाइम में भी कहीं ना कहीं के टाइम में भी जन्म तो लिए होंगे ना आ, कही ना यस हम कहीं कहीं थे बट उनके शासन काल में थे ऐसा जरूरी नहीं, नहीं? है ना हो सकता है हम किसी आ, और क्षेत्र में हो है ना कहीं हम कहीं तो होंगे डेफिनेटली आत्मा नहीं मरती हो सकता है है ना हुँ. तो हम कहीं तो थे लेकिन ऐसा लगता है आई एम जस्ट एज्यूमिंग आई एम नॉट सेइंग कि फॉर श्योर हम वहां नहीं थे महावीर भगवान के काल में सबके सब सम्यक दृष्टि हुई हो सबके सब ने उनके प्रवचनों को सुना ही है ना हम्म ओ लेकिन हमने सुना ही नहीं चुछ 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 ठीक है थैंक यू चारू जी आपने क्या बताया सभी महावीर भगवान जी समय में सभी सम्यक दृष्टि ही हो क्या आपने बोला था ऐसा जरूरी नहीं है हाँ राइट ठीक है अब भाव परिवर्तन क्या है नहीं देव भगवान के तो ग्रांड सन मायूर भगवान थे वो ही समोचरण में वहां पे मतलब अपने अलग नया मत चला दिया तीन सुर्ण 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 मत

स्ट्रॉन्ग uh, मिथ्यात्व अगर होगा तो हम उसको भी इग्नोर कर देंगे ठीक है तो ना उस इसीलिए सम्यक दर्शन के लिए हमारे फाउंडेशन uh, में कषायों का मंद होना जरूरी है ठीक तो आई थिंक ये भाव परिवर्तन अपन कल करते हैं कल दो तीन कथाएं और ले लेंगे संसार पे काफी सारी कथाएं हैं तो, चलिए इससे पहले क्लास एंडो किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कोई क्वेश्चन या डिस्कशन करना हम्म जी चल तो जैसे स्थमोशरण के बाहर तो मान होता है तो बोलते हैं कि अगर किसी को मान है अंदर तो वो समोशरण में अंदर नहीं जा पाते हैं तो जैसे महावीर भगवान के जो जीव थे उन्होंने इतने सारे अपने वो शुरू किए तो उनको तो मान होगा इसीलिए उन्होंने इस शुरू करे कि मेरे नाम से शुरू हो हाँ तो फिर वो कैसे समोशन में जा पाए हाँ ऐसा नहीं है कि मान स्तंभ है तो अंदर सिर्फ बिना मान वाले ही जाएंगे है ना तो जो लास्ट भूमि है सबसे एंड की भूमि तो उसके लिए बोला जाता है कि वहां पर सिर्फ भव्य जीव जाते हैं और उनकी कषाय बिल्कुल मंद होती है ठीक है कई जगहों पर ऐसा देते हैं जानकारी मिलती है कि वहां जाने वाले सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं ठीक है या कई जगहों पर ऐसा भी पढ़ने में आता है कि वहां पर जाकर सम्य दर्शन हो जाता है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि जो जो है मानस्तंग को अगर जो अच्छे से प्रणाम करे, करे, तो उसका मान भंग हो सकता है जैसे कि गौतम गणधर स्वामी का हुआ था सबका हो जाता होगा क्या ऐसा तो नहीं पढ़ने में आया ठीक है हाँ सजेशन यही दिया जाता है कि मान स्तंभ बनाया है तो मान को बाहर छोड़कर फिर मंदिर में अंदर जाना चाहिए। राइट ओके थैंक यू क्योंकि मान क्या है हमारे कर्म है ना हमारे कर्म हमारा इतना जल्दी पीछा छोड़ दे ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है ना नाइट है चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं जिनवानी स्तुति जवानी के ज्ञान से सूझे लो कलो सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हु दो हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन नौ बाणी करना सभी को जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र oh. जय जिनेंद्र <laughs> जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जीनें। सभी को